छबड़ा पुलिस ज्वेलरी शॉप पर रिवॉल्वर दिखाकर जेवरात व नकदी की लूटपाट की डकैती की योजना बनाते आरोपियों को हाउसबोट कॉलोनी रिछड़ा में वीरान कॉलोनी से किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल व वैध रिवॉल्वर सहित 2 जिंदा कारतूस जब्त किया। लक्ष्मण मीना बलबीर उर्फ बल्लू सांसी, भगवान सिंह उर्फ दीपक कुलदीप मीना, सूरजमल रोहित सांसी आरोपियों के नाम से पहचान की गई। सर, ये जो डकैती की योजना करते हुए जो आरोपी पकड़े, क्या कार्रवाई की जाएगी? छबड़ा थाना क्षेत्र में कल 3 नवंबर 2024 को हमारे मुखबिर खास ने हमें इनपुट दिया कि रिछड़ा गांव में हाउसिंग बोर्ड का एरिया, जो सुनसान एरिया है, वहां 6-7 लोग इकट्ठे होकर कोई डकैती की योजना बना रहे हैं। उनके पास गंभीर श्रेणी के हथियार भी हैं। इस सूचना पर मैंने श्रीमान एसपी साहब को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश से मैंने एक विशेष टीम का गठन किया गया। मैं हथियार मैं जाता हम लोग यहाँ से रवाना हुए और बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए हमने उस मकान को कॉर्डन किया और उनकी वार्तालाप सुना। वार्तालाप में मुखबिर की खबर सत्यापित हुई और फिर हमने तेजी से मकान को चारों तरफ से कॉर्डन करके उन छह आरोपियों को डिटेन किया। 6 आरोपियों के नाम लक्ष्मण मीना, दूसरा बलवीर सासी, तीसरा भगवान सिंह, चौथा कुलदीप मीणा, पांचवा सूरजमल, छठा रोहित सासी। इनके कब्जे से, लक्ष्मण मीणा के कब्जे से 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, बलवीर के कब्जे से 1 गुप्ती धारदार, एक के कब्जे से मिर्ची पाउडर, भगवान कुलदीप मीणा के कब्जे से लोहे का कटर और सूरजमल सूरजिया के कब्जे से नकाब और रोहित सासी के कब्जे से धारदार रामपुरी चाकू और मौके पर ही 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी हमने डिटेन की है। नियमानुसार पूरी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की गई है, मौके पर फर्द मुर्तिब की गई है और नियमानुसार उनको डिटेन करके अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज माननीय न्यायालय में उनका रिमांड लेकर इस संबंध में इस पूरे गिरोह से संलिप्त हथियार और जो वाहन है उनके संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।